नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट अकेडमी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स के आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, टाटा संस का चेयरमैन निम्न में से किसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन वन एच चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी राजेश गोपीनाथन, ऑप्शन सी साइरस मिस्त्री, ऑप्शन डी रतन टाटा। तो इसका सही जवाब है एन चंद्रशेखरन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के लिए फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। टाटा सन्स टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स की बागडोर साल 2017 में संभाली थी, जब समूह नेतृत्व संकट से जूझ रहा था। चंद्रशेखरन अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के निदेशक मंडल में आए थे और जनवरी 2017 में उन्हें चेयरमैन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर टू, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडिया 2022 में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन वन नेपाल, ऑप्शन टू चीन, ऑप्शन थ्री भारत, ऑप्शन फोर बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है भारत। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स 19 देशों की तुलना में बनाया गया था। इस सूचकांक की गणना नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर की गई थी। इस सूचकांक की गणना एक सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी मुनीश्वर नाथ भंडारी, ऑप्शन सी अनिल कुमार अग्निहोत्री, ऑप्शन डी कमल मल्होत्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुनीश्वर नाथ भंडारी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे इसके, कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भंडारी ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर चार, एचआईवी वायरस की खोज किसने करने वाले किस नोबल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए जॉन वी गुडनाइक, ऑप्शन बी लोआचिम फ्रैंक, ऑप्शन सी ल्यूक मेंटेनियर, ऑप्शन डी जैक्स डुबोचेट। तो इसका सही जवाब है ल्यूक मेंटेनियर। फैक्ट्स पढ़ेंगे, पेरिस मशहूर फ्रांसीसी शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मेंटेनियर का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें एचआईवी वायरस की खोज करने के लिए साल 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ल्यूक मेंटेनियर ने 1983 में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी की पहचान की और उस प्रक्रिया को समझाया जिसकी वजह से एड्स का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर पांच, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 25 नवंबर, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 13 फरवरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 13 फरवरी। फैक्ट्स, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिवस रेडियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रसारकों के बीच नेटवर्किंग को ताकतवर बनाने का साधन है। विश्व रेडियो दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व के युवाओं को रेडियो की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूक करना है। यूनेस्को ने शिक्षा के प्रसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस में रेडियो की भूमिका को रेखांकित करते हुए पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस मनाने के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर छः, विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 26 जुलाई, ऑप्शन डी 15 नवंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11 फरवरी।
प्रतिवर्ष 11 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को समान पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह दिवस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका में मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 22,275 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 26,275 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 36,275 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 20,275 करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब है 26,275 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक इस परियोजना में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में नए बटालियन बनाने तक उच्च तकनीकी वाली फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और अन्य जाँच उपकरणों के विकास के लिए सुरक्षा संबंधी खर्च शामिल हैं। योजना के तहत आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था और पुलिस द्वारा आधुनिकी तकनीक अपनाने का प्रावधान किया है। क्वेश्चन नंबर 8 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने निम्न में कितने अन्य ऐप्स पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 54। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 54। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने 54 अन्य ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इन ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी, HD ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड बेस ब्यूस्टर, ऐप लॉक, वीवा रेडियो वीडियो एडिटर और एनिमीजी चेस शामिल हैं। इससे पहले वर्ष 2020 में भी सुरक्षा को खतरा मानते हुए कुल 270 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए थे। 2022 में यह पहली बार है जब सरकार द्वारा ऐप्स पर बैन लगाए जा रहे हैं। इन ऐप्स को IT कानून की धारा 69A के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है। तो दोस्तों गुड बाय, आज के लिए इतना ही, कब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मुझे उम्मीद है एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।